टॉप फाइव मोस्ट रेयर पोकेमॉन इन पोकेमॉन वर्ल्ड। सो इसमें नंबर फाइव पे आता है एक्सोल, बिकॉज ये तुम्हें तभी देखने को मिलेगा जब फुल मून की नाइट हो। ऊपर से इसे बहुत ही कम पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पकड़ा है, बिकॉज ये कभी दिन में दिखता ही नहीं एंड ये दिन में बहुत ज़्यादा रेयरली दिखता है। एंड एक थ्योरी तो ये भी है, एप्सोल सिर्फ उसी जगह प्रेजेंट रहता है जहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला होता है, मतलब कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें। सो गाइस नंबर फोर पे जो पोकेमॉन आता है वो है लुगिया। पहले तुम पता होगा कि लुगिया बहुत ही कम बार हमें पोकेमॉन एनिमे में इंट्रोड्यूस कराया गया है, बिकॉज एक तो एक लेजेंड पोकेमॉन है प्लस बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है। एंड ऊपर से इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था पोकेमॉन के मूवी में, जहाँ पर लुगिया फ्लाइंग ट्रायो को कंट्रोल करने के लिए बाहर आता है एंड ये वेदर एंड वाटर को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड गाइस नंबर थ्री पे आता है म्यू। तो गाइस तुम लोग को पता होगा कि म्यू किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफर हो सकता है एंड इसी एबिलिटी की वजह से म्यू को बहुत ही कम पोकेमॉन ट्रेनर्स देख पाते हैं। एंड म्यू जनरली उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिखता है जो काइंड हार्टेड हो प्लस दूसरों की केयर करते हो, एंड इसी वजह से म्यू बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है एंड बहुत ही कम लोगों को दिखता है। एंड गाइस नंबर टू पे आता है ओहो। पहले तुम पता होगा कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिनका लाइफ में कोई एम हो या फिर जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। एंड पोकेमॉन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि ऐश ने भी ओहो को देखा था, तो तुम बोल सकते हो कि हमारा ऐश केचम भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। एंड गाइस इसी वजह से ओहो हमारे इस लिस्ट में नंबर टू पे उसके जगह बनाता है। एंड गाइस नंबर वन पे आता है आर्सियस, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन्स। वेल तुम इसके रेयर होने का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो, एक तो ये गॉड है, ऊपर से ये हज़ारों सालों में एक ही बार अपीयर होता है एंड जो लोग इसे देख लेते हैं वो खुद को बहुत ही ज़्यादा लक्की मान सकते हैं। वेल मैं पोकेमॉन वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इसे रियल वर्ल्ड में कंपेयर मत करना। एंड इसी वजह से आर्सियस हमारी लिस्ट में नंबर फाइव उसकी जगह बनाता है। वेल क्या तुम मेरे इस लिस्ट से एग्री करते हो मुझे कमेंट बताओ, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हें कोई रेयर पोकेमॉन पता है तो तुम मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में उसे भी इंक्लूड ज़रूर करेंगे।